अस्सलाम वालेकुम वीवर। असास प्रोग्राम, असास कफालत प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वसीला तलीम प्रोग्राम और दीगर तमाम सब्सिडी प्रोग्राम के साथ आज हम आपको नई अपडेट फराहम करेंगे कि 9,000 की किस्त तमाम लोगों के लिए जारी कर दी गई है या कुछ लोगों के लिए जारी की गई है। इसकी मुकम्मल अपडेट जारी करेंगे और आपको ये बताएँगे कि 9,000 की जो किस्त जारी हुई है उसकी क्या नई अपडेट है। इसके साथ तमाम सब्सिडी के हवाले से आप लोगों को अपडेट किया जाता है, तो आप लोगों से गुजारिश है हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो मुकम्मल देखें। अगर आप लोग कोई राय देना चाहें तो आप कमेंट्स में हमें राय दे सकते हैं। अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो हम आपको कमेंट्स के ज़रिए जवाब देंगे। तो आज की नई अपडेट, ऐसे तमाम ख़ानदान जो डायनामिक सर्वे करा चुके हैं या जिन्होंने अभी तक डायनामिक सर्वे कराना है उन लोगों के लिए ये अपडेट है। ऐसे तमाम ख़ानदान जिन्होंने डायनामिक सर्वे कराया था उन लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि ऐसे तमाम ख़ानदानों को डायनामिक सर्वे के ज़रिए काफ़ी ख़ानदानों को अहल कर दिया गया है, जिसके हवाले से अपडेट जारी की गई है कि 9,000 की किस्त जारी कर चुके हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से। ये अपडेट जारी हुई है, ज़राए से मिली खबर के मुताबिक ऐसे तमाम ख़ानदान जिनको 8,500 की किस्त 2023 में जारी हुई थी और उसके बाद एक किस्त लेने के बाद दूसरी बार उनको 8,500 की किस्त के बाद नहीं जारी की गई थी, तो उनको जनवरी तो मार्च तक किस्त जारी कर दी गई है। इसके हवाले से नई अपडेट जारी हुई है, ये ज़राए से मिली खबर है। इसके अलावा ऐसे तमाम ख़ानदान जो 80 लाख तो तकरीबन 90 लाख ख़ानदान इससे पहले पाकिस्तान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल ख़ानदान है, उनकी अभी तक किस्त जारी नहीं की गई। और इसके साथ आपको ये बता दें कि बच्चों के वजीफ़े जारी कर दिए गए हैं। अगर आप लोगों के पास बच्चों के वजीफ़े अभी तक मसूल नहीं हुए तो आप 31 जनवरी तक इंतज़ार कर ले। अगर 31 जनवरी को आपके बच्चों के वजीफ़े जारी नहीं होते तो फिर आपको मार्च में जो किस्त जारी की जाएगी उसके साथ आपके बच्चों के वजीफ़े जारी किए जाएंगे। तो ये आज की नई अपडेट थी। अल्लाह हाफ़िज़।